सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों रेडमी और रियलमी में अच्छा कंपटीशन हो रहा है। रियलमी कोई एक फ़ोन निकाले और रेडमी का नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रियलमी का 15 तारीख को लॉन्च हो गया है रियलमी एक्स, और रेडमी का भी एक टीज़र आया था जिसमें हाईलाइट था एस को लेकर। तो फाइनली उसका एक टीज़र भी आ गया है जिसमें दिखा रहा है कि रेडमी के नोट 7 एस नाम के एक फ़ोन लॉन्च होगा इसी महीने का 20 तारीख को। यानी कि हर महीने में एक दो फ़ोन कोई ना कोई कंपनी तो निकल रहा है, मगर रेडमी और रियलमी हर महीने में कुछ फ़ोन लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों अभी देखेंगे ये फ़ोन जो आएगा रेडमी नोट 7 एस, ये फ़ोन का एक्चुअली स्पेसिफिकेशन क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज के टेक न्यूज और क्या क्या है। दोस्तों आसूस का एक फ़ोन लॉन्च हो गया, वो है आसूस जेनफोन 6। ये फ़ोन कुछ अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है और ये फ़ोन कंपटीशन करेगा वन प्लस 7 के साथ, क्योंकि इसका स्पेसिफिकेशन जो है बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन है। इसका जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 एक अच्छा प्रोसेसर है, और इसका जो कैमरा है ये कैमरा एक है 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है और एक है 13 मेगापिक्सल का, यानी कि कैमरा भी बहुत अच्छा है। मगर कैमरा का जो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट क्या है जो दूसरा फ़ोन में हम लोग नहीं देख पाए, यानी कि एक ही कैमरा है, पीछे वही सामने आएगा वही पीछे जाएगा। ये एक अच्छा चीज़ किया है और एक अच्छा टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश किया है। तो देखेंगे ये फ़ोन कितना मार्केट में आता है। मगर ये जब आने के टाइम पे वन प्लस के साथ एक कंपटीशन में आ गया, उसका एक टीज़र पे एक पेज भी निकला जिधर दिखा रहा है कि उसका जो बैटरी है 5000 mAh बैटरी, और जो वन प्लस का है वो है 3700 mAh बैटरी, यानी कि बैटरी के तरफ से भी आसूस के फ़ोन अच्छा ही होगा। ये लेकर एक पेज आया है, यानी कि रियलमी रेडमी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं और आसूस भी अभी वन प्लस के साथ कंपटीशन करने के लिए उतर गए। अभी देखते हैं ये फ़ोन के अच्छे टेक्नोलॉजी आ रहा है, अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे हैं। अभी देखना है वन प्लस अच्छा मार्केट लेता है या आसूस अच्छा मार्केट लेता है। दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा रेडमी का फ्लैगशिप आ रहा है। अगर इसके अंतुतु स्कोर आपको पूछेंगे कि इसका अंतुतु स्कोर क्या होगा, तो आप कुछ बोलोगे 3 लाख, 3.5 लाख या 4.25 लाख। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसका अंतुतु स्कोर निकल गया है और इसका स्कोर है 4,58,000, यानी कि बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली क्या क्या इसके साथ ये देखना है, क्योंकि इतना स्कोर अगर होगा तो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सामी ये बोल रहा था कि जो उसका जो ये फ़ोन आएगा, फ्लैगशिप फ़ोन आएगा, रेडमी के जो फ्लैगशिप फ़ोन आएगा वो अच्छा गेमिंग फ़ोन होगा। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा, और ये फ़ोन जो आएगा कुछ 30,000 के नीचे आएगा। वन प्लस कुछ 30,000 के ऊपर आ रहे हैं, मगर ये फ़ोन 855 प्रोसेसर के साथ आ रहा है, 30,000 में आएगा तो अच्छा ही होगा। क्योंकि जो वन प्लस लेने के लिए सोच रहा था वो अभी थोड़ा वेट कर लेगा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। एक चीज़ है, ये जो रेडमी का रेडमी K20 और K20 Pro आएगा उसके अंदर से एक फ़ोन आएगा, वो है पोको F2 नाम के, यानी कि पोको F2 के लिए बहुत लोग इंडिया में वेट कर रहे हैं। तो ये दो फ़ोनों में कोई एक होगा पोको F2 का, अभी कौन होगा तो मालूम नहीं है, मगर एक होगा। और इसका जो अंतुतु स्कोर भी निकला है, बहुत ज़बरदस्त अंतुतु स्कोर निकला है, यानी कि जिसको ये बात मालूम पड़ेगा है कि हाँ इसका अंतुतु स्कोर ये है, यानी कि ये एक बजट रेंज के फ्लैगशिप फ़ोन होगा, तो ये खरीदने के लिए। तो अभी तक के टेक न्यूज़ अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और कुछ बात अगर होगा आपके दिल में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। चले आते दूसरे और एक न्यूज़ के ऊपर, ये है सैमसंग फोल्ड को लेकर। सैमसंग फोल्ड आपको मालूम है आया था, मगर उसका थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए बंद हो गया। तो फाइनली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट आया है उसमें जो सैमसंग के ऊपर जो कवर था जो निकला हुआ था बाहर से, जिसमें कुछ धूल मिट्टी अंदर जाके कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, वो टोटली बंद कर दिया, यानी कि उसको टोटली फिक्स कर दिया उसको। और पहले जो जैसे था उसको निकाला जाता था, अभी उसको कोई प्रोटेक्टर को निकाल नहीं पाएगा, यानी कि एकदम पूरा फिक्स्ड हो गया। ये जो सिस्टम है ये एकदम नया है और इसको लेकर बहुत ही काम करना है। दोस्तों मैंने आपको कल ही बोला था रेडमी का लैपटॉप आने वाला है और इसका की स्पेसिफिकेशन भी बाहर आ गया है।
ये i3 में आएगा, i5 में आएगा, i7 में भी आएगा और 4GB 8GB करके रैम वेरिएंट में भी आएगा। तो इसका जो प्राइस होगा यही देखना है एक्चुअली प्राइस क्या होगा। आशा रखते हैं कि रेडमी के जो लैपटॉप आएगा उसका प्राइस ठीक ठाक होगा, क्योंकि मोबाइल के इंडस्ट्री में भी रेडमी जब आया था एक एग्रेसिव प्राइस लेके आया था, जिसके लिए इंडिया में नंबर वन अभी स्मार्टफोन जो है वो रेडमी। और लैपटॉप में भी ऐसा अगर कर दिया तो उसको देखने के लिए को मतलब वो इतना ही अच्छा होगा, जो जो लैपटॉप खरीदना चाहता है मगर कीमत के लिए नहीं ले पाता है उसके लिए अच्छा होगा। और एक चीज़ है, ये जो लैपटॉप आने वाला है ये 14 इंच का लैपटॉप होगा और FHD+ डिस्प्ले होगा, यानी कि अच्छे क्वालिटी का लैपटॉप आने वाला है। नंबर है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस के जो वन प्लस सेवन और 7 Pro आया है उसका क्या ऑक्सीजन ओएस में कुछ स्पेसिफिकेशन आए, जिसमें जेन मोड आया है, नाइट मोड आया है, यानी कि अच्छा अच्छा स्पेसिफिकेशन आया है। जो 66 और 60 इस्तेमाल करते हैं उसके मोबाइल में भी अपडेट में ऑक्सीजन ओएस के अपडेट में ये फीचर्स आएगा मगर नाइट मोड नहीं आएगा। मगर ये जो मोड है बहुत ही अच्छा होगा, जो नाइट मोड होगा वो तो कैमरा के मतलब नाइट में जो कोई पिक्चर लेने के लिए जाओगे तो बहुत ही अच्छा पिक्चर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए टेक न्यूज़ इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।